देखिए दोस्तों, ये है मजल लोडर और ये है ब्रीच लोडर। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मजल लोडर के बारे में बताते हैं। ये पहले चलती थी मजल लोडर, मतलब कि इसमें सब कुछ मजल से डलेगा। इसमें बारूद भी यहाँ से डलेगा, इसमें गोली भी यहाँ से डलेगी। ये आपने मूवी के अंदर देखा होगा मंगल पांडे वाली 1857, जो उन्होंने खिलाफत की थी वो इसी वजह से की थी कि इसके अंदर जो गोली डल रही थी उसकी जो गोली थी वो गाय और सुअर की चमड़ी से वगैरह से बन रही थी। अब इसकी प्रोसेस दिखाते हैं। देखिए, ब्रीच लोडर की गोली ऐसे तरह की आती है पूरी कंप्लीट। तो पहले आपको हम ब्रीच लोडर का इसलिए दिखाते हैं, फिर उससे इसी गोली से आपको समझा देंगे। देखिए, ब्रीच लोडर मतलब आपको इसे यहां से खोलना है, गोली डालनी है तो ये चलने के लिए रेडी। ये इतना आसान बाद में हुआ है। और इसके पहले इसी में आपको दिखाते हैं, इसी की गोली को काट के दी गई, हमने इसकी गोली काट दी है। ये इसके अंदर बारूद है और इसमें से चलता है ये। तो पहले इसमें मजल लोडर के अंदर शुरुआत में इसमें से पहले बारूद इसमें डाला जाता था, फिर बारूद डालने के बाद में ये जो रॉड है, इस रॉड से इसकी ठसिंग की जाती थी। ये रॉड यहाँ से निकल जाती है, इस तरह से इसकी ठसिंग करते थे। फिर उसके बाद में ये जो गोली है इसे भी इसमें हाथ से डाला जाता था, फिर इससे ठसिंग की जाती थी इस तरह से, और इसको रेडी करके फिर फायर किया जाता था। इस प्रोसेस में टाइम लगता था। ये पहले यही प्रोसेस थी और लाइसेंस पे भी पहले यही मिलती थी। और अब जो हुआ है, लाइसेंस पे ब्रीच लोडर लोग लेने लगे हैं। ये आसान है क्योंकि वो रेडी सेट आता है। तो यही इसकी प्रोसेस है छोटी सी। और ये लंबी इसलिए है, ये हमने छोटी ली है, इसे भी लंबी ले सकते हैं, अलग अलग लेंथ में आती है। हमने 28 इंच की बैरल ली है, 32-36 तक आती हैं ये। और यही चलता है सब में से, इसमें से भी और इसमें से भी। दोनों लाइसेंस रिक्वायर्ड हैं उस जमाने की। ये हम फायर करके इसलिए नहीं दिखा सकते, ये शो पीस का डमी पीस है, ये वर्किंग नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए शो पीस में रखने के लिए है। ये चलता नहीं है, मगर ये लाइसेंस ही है, ये वर्किंग है। केवल आपको इनका डिफरेंस समझाने के लिए कि भी दोनों में क्या हुआ है, तो वो हमने ये एक वीडियो बनाया है।